टुडे वी हैव स्टार्टेड अनदर चैप्टर दैट इज टेंस। ये इंग्लिश का चैप्टर है टेंस। अब हम पढ़ेंगे इसमें टेंस होता क्या है। टेंस एक तरह काल बोलते हैं हिंदी में इसे, पर ये बेसिक है हमारा ग्रामर के लिए कि टेंस आना बहुत जरूरी है। अगर टेंस आएगा तो हम ग्रामर को इजीली सीख पाएंगे। और जो लोग बच्चों को दिक्कत आती है कि हम अपने आप से दीदी वो नहीं लिख पा रहे हैं इंग्लिश, तो वो भी इससे इम्प्रूव हो जाएगी। तो हिंदी में तो काल पढ़ा होगा, वो तीन टाइप के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। पर इंग्लिश में टेंस थ्री टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट किसका होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तमान, मतलब जो अभी चल रही है उसकी बात। पास्ट भूत के, भूतकाल के, मतलब जो पहले हो चुका है। और फ्यूचर भविष्यकाल, जो अब आगे होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, सेकंड सिंपल पास्ट, नहीं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। ऐसी सेम पास्ट में होता है, ऐसी सेम फ्यूचर में होता है। तो मैं वन बाय वन सबका फॉर्मूला लिखवाती जा रही हूं, आप लर्न करते जाएंगे और उसका एग्जांपल देती जाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रही है बात, जैसे वो खाना खाता है या खा रहा है तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। वो जा रहा है तो अभी की बात हो गई ना प्रेजेंट की, तो वो इसमें आता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या एस या ई एस आता है। वो एस या ई एस का कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रही हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे ही, एक की बात आ रही है, ही शी या किसी का नेम या आई, तो उसके वर्ब में हमेशा एस या ई एस लगेगा। ठीक है, तो जैसे अब एक से ज्यादा की बात आ रही है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो एक, जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब दो की बात होगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। तो समझ आया वर्ब का क्या यहां पर है, एक के लिए बात हो रही होगी तो उसकी वर्ब में एस या ई एस आएगा, और एक से ज्यादा के लिए बात हो रही है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है शुरू का पार्ट, बीच में वर्ब आ गई, और ऑब्जेक्ट ये पीछे का पूरा पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम इसका सेकंड, ये आपके फॉर्मूले। अब आते प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे शी के लिए इज लगेगा, आई के लिए एम लगता है, ही शी के लिए, एक जने के लिए इज लगता है, और एक से ज्यादा जैसे वी दे या यू एंड आई, तो उन सब के लिए क्या लगता है आर। ये इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आपको ये आता है अच्छे से तो आप टेंस कर सकते हैं। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। प्ले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आई एन जी लग गई तो ये हो गया। अब थर्ड आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट।
तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही और वी, दो का एग्जाम्पल बना के दिखा रही हूं। ही हैज, एक के लिए हैज आता है और एक से ज्यादा के लिए हैव। ही हैज डन, डू की थर्ड फॉर्म डन हिज वर्क। वी हैव प्लेड इन द गार्डन। समझ आया, ये इसके फॉर्मूले। एक के लिए क्या आएगा, वन के लिए हैज और मोर देन वन के लिए पर्सन की बात हो रही है यहां पर, तो हैव आ जाएगा। ठीक है, वन पर्सन की बात होगी तो हैज। ठीक, अब आते हैं लास्ट इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट इसमें आता है सब्जेक्ट हैज या हैव बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैज बीन, ही है, एक की बात हो रही तो हैज आएगा और बीन आएगा इसमें। ही हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप फर्स्ट फॉर्म हो गई, उसमें आईएनजी आ गया, फॉर फाइव आवर्स में कौन, पांच साल तक कौन सोता रहेगा, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर फाइव इयर्स। वो फाइव इयर्स निकल रहा है मुझसे, फाइव आवर्स मतलब कि वो पांच घंटे से लगातार सो रहा है। एक ट्रिक और थोड़ी सी बताना चाहती हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है का यूज जाता होता है, जैसे वो खाना खा रहा है, वो खेल रही है, तो शी इज प्लेइंग। रहा है, रही है, प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, जैसे वो जा चुका है या वो जा चुकी है या वो खेल चुकी है, तो ये ट्रिक्स होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस था पूरा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पास्ट टेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।